Welcome to your SST class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new chapter of your series, that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 5 by Brainroot Publications. Children, so far we have covered 11 chapters of your book, and today we are going to start chapter number 12, that is about natural disasters. Alright children, what is a disaster? जब कोई प्राकृतिक प्रलय घटित हो जाती है, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा पड़ती है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी समथिंग ऑन विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल, अगर नेचर में कुछ प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज अ नेचुरल डिज़ास्टर और अ कैलामिटी. ठीक है, तो आज हम इन नेचुरल कैलामिटीज या नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थक्वेक्स, राइट, भूकंप, अचानक से जो है धरती कांप जाती है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और बिल्डिंग्स गिर जाती है, तहस नहस हो जाता है. हमने सुनामी के बारे में भी सुना है. सुनामी मतलब जल प्रलय आ जाना, अपने साथ पानी जो है सब कुछ बहा के लेके चला जाता है, या सूखा पड़ जाना. ठीक है, फेमाइन, सूखा पड़ जाना यानी ड्राइनेस हो जाना, अर्थ इतनी सूख जाती है कि लोग जो है मर जाते हैं पानी के लिए तरस के. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स दैट हैपन ड्यू टू मेनी रीजंस. तो आज हम उन सारे रीजंस के बारे में पढ़ेंगे और हम इन्हें किसी तरह से अगर रोक सकते हैं तो किस तरह से रोक सकते हैं, या खुद को कैसे इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स सी वॉट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्या क्या करेंगे हम पढ़ेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, वॉट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर. देन वी विल स्टडी अबाउट दीज फॉलोइंग डिज़ास्टर्स, दैट इज़ फ्लड्स, ड्रॉच, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड वॉल्केनोज. हम इनके बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर वी बिगिन अवर चैप्टर, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप एक्सरसाइज. वॉट इज़ द एक्सरसाइज? सी, they have asked us to identify the natural disasters in the given pictures and list some places where they have occurred. yani yahan pe kuch natural disasters ki pictures hain, hame inhe identify karna hai aur fir hame ye bhi batana hai ki ye natural disasters kahan occur hue hain, right? so first picture is of a building which is falling down. as you can see, ek building hai jo gir rahi hai. theek hai, this is due to earthquake. जब धरती हिलने लगती है, कांपने लगती है, तो कई सारी बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं. सो दिस इज अर्थक्वेक. देन यू कैन सी दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ टॉर्नेडो, और यू कैन सी अ सुनामी, विंड स्ट्रॉम, टॉर्नेडो, पानी में है तो टॉर्नेडो. ओके, एंड दिस इज वॉल्केनिक इरप्शन. ठीक है ना, तो ज्वालामुखी में से यहाँ पे जो है लावा बाहर आ रहा है. तो आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है, अब आपको वो प्लेसेस लिखने हैं जहाँ जहाँ ये नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग टू बी डन बाय यू. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेचर इज वेरी पावरफुल. अ डिजास्टर इन एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच इज अ बैड एक्सीडेंट, फ्लड और अ फायर दैट किल्स अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज. सो चिल्ड्रन, वी ऑलरेडी नो दैट नेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ. हमारी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है प्रकृति, है ना. प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, नेचर से हमें ट्रीज मिलते हैं, हवा मिलती है, पानी मिलता है, आग मिलती है ना. सो मेनी थिंग्स सराउंड अस एंड दे आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर. सो नेचर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एवरी वनज लाइफ. इसके अलावा नेचर इन इट्सेल्फ इज़ वेरी पावरफुल. नेचर या तो बहुत ज़्यादा जीवन को पोषण करती है, या फिर प्रलय लाकर जीवन को ख़त्म कर सकती है. और जब नेचर में प्रलय आता है तो वो बहुत सारा डैमेज कर देती है. ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. अ डिज़ास्टर कैन कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. डिज़ास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. वी शैल स्टडी ओनली नेचुरल डिज़ास्टर्स इन दिस क्लास. और आज हम सिर्फ नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. हालांकि डिज़ास्टर्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी, बट वी विल फोकस ऑन नेचुरल डिज़ास्टर्स. ठीक है, वॉट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर? अगर हमसे कोई पूछे कि
नेचुरल डिजास्टर है क्या, तो हम क्या बताएंगे? अ डिजास्टर इज अ सडन एक्सट्रीम इवेंट और एक्सीडेंट दैट अनसेटल्स द नॉर्मल कोर्स ऑफ अवर लाइफ, यानी हमारी जो जिंदगी है आमतौर पर हम जिस तरीके से उसको जी रहे हैं या रोज़ जैसे ज़िंदगी जा रही है, अचानक अगर कोई डिज़ास्टर हो तो हमारी लाइफ में डैमेज होता है और उस डैमेज की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है उथल पुथल मच जाती है या फिर हमारी जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है. एनी नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ नेचुरल डिज़ास्टर. सो इनकेस आपको डिफाइन करना है कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, तो आप बोलेंगे कि एनी नेचुरल इवेंट, यानी कोई भी ऐसा काम या इवेंट जो कि नेचर की वजह से हुआ है, अपने आप हुआ है, दैट कॉजेज अ ग्रेट डैमेज टू लाइफ, यानी लोगों की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, दैट इज़ नोन एज अ नेचुरल डिज़ास्टर. ऑलराइट, सम ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज विंड एंड वाटर कैन बिकम टेरिबल. जैसा मैंने आपको बताया कि नेचर बेस्टाउज अस विद मेनी ऑफ द गिफ्ट्स लाइक एयर वाटर फायर एट्सेट्रा, बट इफ दे बिकम डेंजरस देन दे कैन कॉज सीवियर डैमेज. ठीक है, दीज कैन फोर्सेज दैट हार्म एंड डिस्ट्रॉय अवर होम्स, ये कभी कभी हमारे घर को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं. अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज सुनामीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजास्टर्स कॉज बाई नेचर, लेट अस स्टडी देम इन डिटेल. यानी अर्थक्वेक का मतलब भूकंप, ठीक है, सुनामी का मतलब जल प्रलय और वॉल्केनोस का मतलब है ज्वालामुखी. इन सभी से हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अर्थक्वेक. अवर अर्थ क्रस्ट इज बेस्ड ऑन टेक्टोनिक प्लेट, हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है यानी जो सरफेस है ये अंदर से डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू बना हुआ है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट्स जो हैं वो बनी हुई हैं कुछ इस तरह से. मतलब हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो ऐसे उसके नीचे प्लेट्स बनी हुई हैं. ठीक है, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो ये हिलते हैं, बिकॉज ये प्लेट्स वाइब्रेट होंगे तो अर्थ का सरफेस भी वाइब्रेट होगा और इन्हीं की वजह से जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर्स होते हैं. सी, मूव तो ये नॉर्मली भी कर रहे हैं, हमेशा ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जब ये ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेट करने लगें या ज़रूरत से ज़्यादा शेक करने लगें तब खतरे की बात है. ऑलराइट, दीज प्लेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एज दे आर ऑन अर्थ मैंटल विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन रॉक. अर्थ का जो मैंटल है वो मॉल्टन रॉक से बना हुआ है, मिनरल्स है, मॉल्टन लावा है उसके अंदर, तो इसीलिए ये हमेशा जो है मूव करते रहते हैं. ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं. ये यहाँ तक तो ठीक है, फ्लोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इनकी मूवमेंट की स्पीड यानी गति बढ़ जाती है या इनकी मूवमेंट या शेकिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, विगरसली वाइब्रेट होने लगते हैं, तब खतरा बढ़ जाता है. व्हेनेवर दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, यानी जब भी ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, है ना, एक दूसरे से टकराएंगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तब अर्थक्वेक होगा. दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी. ऑलराइट, अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी. ऑलराइट, द रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कोई अर्थक्वेक कितना डेंजरस है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, यानी कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा प्रभावशाली था या कितना ज़्यादा डेंजरस था वो हम रिक्टर स्केल के थ्रू पता कर सकते हैं. व्हेन द कोलिजन्स आर ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आर फेल्ट स्ट्रांगली, अगर ये जो कोलिजन है यानी ये जो प्लेट्स आपस पर टकरा रहे हैं ये बहुत तेज़ तेज़ टकराएंगे तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो अर्थ सरफेस तक पहुँचेंगी और फाइनली हम लोग उसको बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे. द पॉइंट वेयर द अर्थ क्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, यानी जिस जगह से अर्थक्वेक की उत्पत्ति हुई है यानी शुरुआत हुई है, जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है उसको हम फोकस बोलते हैं. ठीक है, द पॉइंट ऑन लैंड डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर,
अब फोकस तो अर्थ के अंदर है, टेक्टोनिक प्लेट्स के वहाँ पे कांपना शुरू हुआ होगा, तो फोकस तो वहाँ पर है, पर ये फोकस जो है वाइब्रेशन को ऊपर की तरफ भेजती है। तो ये वाइब्रेशन अर्थ सरफेस को डायरेक्टली जहाँ पे टच करती है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। उसको हम क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। ऑल राइट, द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट द एपी सेंटर, यानी जिस जगह पे ये एपी सेंटर है फोकस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उस जगह पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज होगा। द अर्थक्वेक इन नेपाल इन 2015 कॉल्ड अनटोल्ड माइजरी टू पीपल। जापान एंड फिलीपींस आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा जापान और फिलीपींस में होता है, और यहाँ पे लोगों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाता है क्योंकि दीज आर प्रोन टू अर्थक्वेक, मीन्स यहाँ पे कभी भी भूकंप आ सकता है, ऐसा नॉर्मल है। ऑल राइट, इन इंडिया अ हाई डेंसिटी अर्थक्वेक अकर्ड इन भुज, दैट इज इन गुजरात, भुज एक जगह का नाम है गुजरात में, ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में जो अर्थक्वेक हुआ था भुज में, वो ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा हाई स्केल पे था कि ऑलमोस्ट पूरा भुज शहर जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक वेन एवर वी फेस एन अर्थक्वेक। सी, नेचुरल डिजास्टर है, इसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं पता कर सकते कि अचानक कब हिट कर देगा, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, बट देन आवर सेफ्टी इज इन आवर हैंड्स, हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट, रन आउट ऑफ द बिल्डिंग इमीजिएटली, स्टैंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग, लैंप्स पोस्ट एट्सेट्रा। जब भी आपको लगे कि अर्थ शेक हो रही है या अर्थक्वेक की संभावना है, बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए और किसी खाली जगह पे जाके, खुले एरिया में जाकर खड़े हो जाइए जहाँ आसपास कोई बड़ा लैंप पोस्ट या बिल्डिंग ना हो। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड स्टैंड नियर द आउटर वॉल्स ऑफ द विंडो। अर्थक्वेक के टाइम पे ज़्यादातर आपको विंडोज़ के पास खड़े होना चाहिए ताकि जैसे ही मौका मिले आप वहाँ से जंप करके बाहर निकल सके। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग वन मस्ट गेट अंडर अ हैवी फर्नीचर। अगर किसी वजह से आप बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे, फॉर एनी सो एवर रीज़न, अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी हैवी फर्नीचर के नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए ताकि आपको डैमेज ना हो। देयर कैन बी इक्वली डिवास्टेटिंग आफ्टर शॉक, सो वन शुड नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीजिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक। यानी अर्थक्वेक ख़त्म होने के तुरंत बाद ही बिल्डिंग में एंटर नहीं करना चाहिए, कई बार झटके जो हैं बाद में भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जब सब कुछ सेटल हो जाए, जब हम श्योर हो जाए कि अब कोई खतरा नहीं है, खतरा टल चुका है, तभी बिल्डिंग के अंदर एंटर करना चाहिए। रेगुलर ड्रिल्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक मस्ट बी कैरिड आउट इन स्कूल्स एंड ऑफिसेस। क्या होता है बच्चों, आधे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती है ना, कई लोगों को पता ही नहीं होता, आपकी क्लास में भी आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिनको पता नहीं होता, और जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है, यूजुअली इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल आम बात है, नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, लेकिन फिर भी हमें अपनी बुद्धि और प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहिए, हमें तरीके सोचने चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकल सके। ऑलराइट, और इसके लिए अर्थक्वेक्स और उनसे बचने के तरीकों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्रेंड्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, जहाँ पे भी हम लोगों से इंटरेक्ट करें, उन्हें अर्थक्वेक्स के डेंजर्स के बारे में बताएं और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी बताएं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम अबाउट फ्लड्स। फ्लड्स का मतलब है बाढ़ आ जाना, बहुत हैवी फ्लो ऑफ वाटर जो कि आपके अपने साथ सब कुछ बहा के लेके चला जाता है। ठीक है, समटाइम्स द वाटर इन द रिवर ओवरफ्लोज एंड मूव्स इन टू ड्राई लैंड्स एंड सबमर्जेस इन द लैंड, दिस कॉजेज फ्लड्स। फ्लड्स हैव बीन द मोस्ट कॉमनली नोन नेचुरल कैलामिटी इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी प्राचीन काल से ये जो जल प्रलय है या बाढ़ है, ये बहुत कॉमन रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पानी के बहाव की वजह से अपने साथ ये सब कुछ बहा के
लेके चला जाता है. फ्लड्स कैन बी कॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश की वजह से भी बाढ़ आ जाती है. ब्लॉकिंग ऑफ वाटर बॉडीज बाय डेब्रीज ड्यू टू लैंडस्लाइड, यानी किसी जगह पर अगर लैंडस्लाइड हुआ हो तो भी फ्लड आ सकते हैं. ठीक है, कोलैप्स ऑफ डैम्स एंड सो ऑन, अगर कहीं डैम टूट जाए या गिर जाए तो भी फ्लड आ सकता है. ड्यूरिंग समर्स देयर कैन बी सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में बर्फ़ है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पिघलना शुरू हो जाए तो वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, उससे भी फ्लड्स आने के चांसेस हैं. स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स इन द सी ऑल्सो कैन कॉज फ्लड्स, यानी बड़ी बड़ी समुंदर की लहरें अगर हाई टाइड्स होंगे तो उस केस में भी फ्लड्स आ सकते हैं. ऑलराइट, फ्लड्स नॉट ओनली कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो मैनी वाटरबॉर्न डिजीजेस. फ्लड्स सिर्फ लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करता बल्कि कई सारे तरह तरह के डिजीजेस भी देता है. ऑलराइट, शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रीट रिफ्यूज इन वाटर, फ्लोटिंग रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड लाइफ स्टॉक पोज अ सीवियर हेल्थ हजार्ड इन अफेक्टेड एरियाज. क्या होता है जब बाढ़ आती है तो पानी कलेक्ट हो जाता है, कई एरियाज तक पानी भर जाता है और सारी चीज़ों में अपने साथ बहा के ले जाता है. कई लोग पशु पक्षी पानी में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो उसी में तैरती रहती हैं. उसके अलावा मक्खी मच्छर इंसेक्ट्स है ना, या छोटे छोटे एक्वेटिक जानवर भी कई बार निकल आते हैं जो कि खतरनाक है ना. तो इस तरीके से भी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं. फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में इंडिया में फ्लड होना आम बात है. और कौन कौन से एरियाज में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स होते हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, इन सब में हर साल ऑलमोस्ट फ्लड होता है. ऑलराइट, हर साल ही इन जगहों पे बाढ़ आ जाती है. अब हम क्या प्रिकॉशंस लें कि फ्लड से बचा सके खुद को, किस तरीके से हम खुद को फ्लड से बचा सकते हैं? फ्लड प्रोन एरिया शुड बी बिल्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इनफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड, यानी ऐसी जगहों पे जब घर बनाए या कोई भी बिल्डिंग बनाए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए कि फ्लड आए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सच एरियाज मस्ट बी मेड मोर अडेप्टिव टू फ्लड सो दैट वाटर कैन बी ड्रेन ईजिली. इन जगहों का जहाँ हमें पता है कि बाढ़ आ सकती है वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो पानी जो है कलेक्ट नहीं होगा, ईजिली फ्लो कर जाएगा और उससे हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. इवैक्यूएशन मेजर शुड बी मेड एडिक्वेट फॉर सच फ्लड प्रोन एरियाज. इवैक्यूएशन मतलब लोगों का वहाँ से निकल पाना, अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर सके, वहाँ से इवैक्यूएट कर सके, जल्दी से जल्दी वो जगह खाली कराई जा सके, ये प्रोसेस स्मूथ हो, ये भी इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एडिक्वेट क्वान्टिटीज ऑफ फूड वाटर मेडिसिन एंड अदर नेसेसरी आइटम्स शुड बी ऑलवेज स्टॉक्ड फॉर एमरजेंसीज. अब हमें ऑलरेडी पता है कि बिहार, आसाम, बंगाल, इन जगहों पे फ्लड आता है, हर साल आता है, तो इसीलिए हमें एक अलग से स्टॉक रेडी रखना चाहिए कि जब फ्लड आए तो जो भी अफेक्टेड लोग हो, जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, उन लोगों को फर्स्ट एड दिया जा सके, उन लोगों के लिए खाना अरेंज किया जा सके, उनकी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत कुछ हम उनकी मतलब देखभाल कर सके, इसके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना है. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉइल्ड बिफोर द यूज़, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पानी कॉन्टेमिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो पानी पीते वक्त हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को बॉइल करके फिर ही पीना चाहिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन इज मैंडेटरी प्रिकॉशन फॉर फ्लड प्रोन एरियाज. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले भी पढ़ा है, एफॉरेस्टेशन पेड़ों के कटने की वजह से क्या होता है, हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना. लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होंगे, उस जगह पे बहुत आसानी से फ्लड आ सकता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन एरियाज़ में फ्लड्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, यानी फ्लड बहुत बार अकर हो चुका है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ, ताकि जो है फ्लड की जो समस्या है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके. Let's read about a fact. The flash flood in Uttarakhand was caused by cloud burst in 2013. यानी 2013 में उत्तराखंड में जो flash flood आया था वो बादल के फटने की वजह से आया था. All right. Now let's read about cyclone.
साइक्लोन मतलब तेज आंधी या तूफान, जो कि अगेन वेरी डेंजरस है, बहुत लोगों को डैमेज कर देती है. अ साइक्लोन इज अ रोटेटिंग मास ऑफ एयर विद मिनिमम प्रेशर एट इट सेंटर. यानी एयर जो है वो घूमता रहता है और सेंटर में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, अपने साथ उड़ा के चीज़ों को लेके चला जाता है. ड्यूरिंग अ साइक्लोन विंड ब्लोज एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. विंड जो हवा जो है बहुत ही तेज़ गति के साथ चलती है. ऑलराइट, साइक्लोन अप्रूट्स ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, बिसाइड्स डिस्ट्रॉइंग हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स. मतलब इतना पावरफुल होता है साइक्लोन कि वो बिल्डिंग्स को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ में इलेक्ट्रिक पोल्स को भी उड़ा सकता है, पेड़ पौधों को भी उखाड़ सकता है जड़ से. ऑलराइट, कोस्टल एरियाज आर प्रोन टू साइक्लोन्स. यानी कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा आंधी तूफान या साइक्लोन्स आने की संभावना रहती है. मोर देन 100 साइक्लोन्स हैव इफेक्टेड आंध्र प्रदेश टिल टुडे. यानी आंध्र प्रदेश में अभी तक कम से कम 100 साइक्लोन्स हो चुके हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में. एंड दीज साइक्लोन्स हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, रिसोर्सेज हैं आसपास, उन सभी को इन साइक्लोन्स ने बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया है. साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर ओशंस और सीज एंड दे मूव टूवर्ड्स द लैंड. यानी ओशन और सी के ऊपर जो है साइक्लोन शुरू होता है फॉर्म करना और धीरे धीरे वो लैंड की तरफ जाते हैं. साइक्लोन कैन लीड टू हैवी फ्लड्स. इवन साइक्लोन के बाद फ्लड्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है. इट डैमेजेस द इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स. और सबसे पहले जो डैमेज करता है वो है हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स को. इनके लिए क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं हम? वेदर फोरकास्ट और वार्निंग को ध्यान दें. यानी वेदर फोरकास्ट को रेगुलर बेसिस पे चेक करें ताकि हमें पता रहे कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, ऐसा कोई तूफान आने तो नहीं वाला है. पीपल शुड मूव टू सेफर प्लेसेस एंड टाइप्स ऑफ साइक्लोन. अगर आने वाला है साइक्लोन या फिर अचानक आ गया है तो हमें जितनी जल्दी से जल्दी उस एरिया को छोड़ के किसी सेफ प्लेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए. डू नॉट गो नियर द सी. ऐसी सिचुएशन में कभी भी समुंदर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए. ट्री प्लांटेशन इन सच एरिया शुड बी प्रमोटेड एज इट हेल्प्स इन काउंटरिंग साइक्लोन्स. ऐसे एरियाज में ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि साइक्लोन्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें. नेक्स्ट नेचुरल कैलामिटी, ड्रॉट यानी सूखा. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, असहनीय हो जाता है, तब हम ड्रॉट यानी सूखे की समस्या फेस करते हैं. ड्रॉट इज़ अनदर कॉमन नेचुरल कैलामिटी दैट कॉजेज सीवियर एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स फॉर ह्यूमंस. ड्रॉट इज़ द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लैक ऑफ रेन और वाटर रिप्लेनिशमेंट. यानी कई समय तक, लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है, धरती अंदर से पूरी क्या हो जाती है, सूख जाती है, कम्प्लीटली जो है सूख जाती है. कैन यू सी इन द पिक्चर, दिस इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉट. क्रैक्स आ गए हैं पूरी जो लैंड में, है ना, बड़े बड़े टुकड़े बन गए हैं लैंड के, क्रैक्स आ गए हैं, अंदर तक जो है धरती बिल्कुल सूख चुकी है. इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमंस. यानी खेत को, फसल को, हमारे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको और ह्यूमंस को, मनुष्य को ये कम्प्लीटली डैमेज कर सकती हैं. लोग मर जाते हैं, ज़मीनें बंजर हो जाती हैं, सॉइल अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता खो देती है. इसके लिए क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? प्रॉपर रिजर्वॉयर्स एंड वाटर टैंक्स नीड टू बी बिल्ट एंड मेंटेन टू कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्वेशन के नए नए तरीके हमें ढूंढने चाहिए. टैंक्स, रिजर्वॉयर्स को बनाना चाहिए ताकि हम वाटर को प्रॉपरली स्टोर कर सकें. इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमें वाटर को जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. ऑलराइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. ऐसे एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को किस तरह से कलेक्ट करके बाद में रीयूज़ किया जा सके, इन तरीकों पर वर्किंग करनी चाहिए. कल्टिवेशन ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज मेज, मिलेट शुड बी एनकरेज. यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी नहीं है या रेनफॉल नहीं होती है, सूखा पड़ता रहता है साल दर साल, ऐसे एरियाज में हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स यानी ऐसे क्रॉप्स जो कि जिसे बहुत कम पानी लगता है, जैसे मेज हो गया, मिलेट हो गया,
इन्हें उगाना चाहिए. वाटर शॉर्टेज स्ट्रक्चर्स लाइक डैम शुड बी बिल्ट इन सच एरिया टू सप्लाई वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट, यानी सूखे के टाइम पे, ताकि ये डैम स्ट्रक्चर्स जो है पानी का सप्लाई कर सके, इसके लिए हमें डैम्स वगैरह बिल्ट करते रहना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू वॉल्केनोज. ठीक है, वॉल्केनोज के बारे में पढ़ते हैं, यानी ज्वालामुखी. अ वॉल्केनो इज अ माउंटेन और अ हिल विद एन ओपनिंग और वेंट, यानी एक वॉल्केनो जो होता है वो ऑलमोस्ट एक माउंटेन या हिल की तरह देखने में होता है, जिसमें कि एक ओपनिंग होता है. ठीक है, यहाँ ये वॉल्केनो है और इसके अंदर जो है मॉल्टन रॉक्स हैं, ये इसका माउथ है, ये ओपनिंग है, इसको हम वेंट बोलते हैं. जो अंदर इसके अंदर जो मैग्मा है, वो मैग्मा जब बाहर आता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है और उसको हम क्या बोलते हैं, लावा. उसको हम क्या बोलते हैं, लावा. ठीक है, When the magma under the earth crust spills over on its surface, it is called an volcanic eruption. यानी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये जो अंदर का लावा है वो जब बाहर आ जाता है प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, तब हम उसको volcanic eruption यानी ज्वालामुखी बोलते हैं. Gases and ash are forced out of cracks from the crust of the earth. When the volcanic eruption stops and the lava cools down, it forms mountains. जब ये ज्वालामुखी जो है शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब ये एक माउंटेन फॉर्म कर देता है. Alright? A bowl-shaped opening formed on the top of such mountains is known as a crater. ये जो ओपनिंग था, ये जब ठंडा हो जाता है तब इसको हम क्रेटर बोलते हैं, क्योंकि दिस इज अ बाउल शेप्ड लैंडफॉर्म दैट हैज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज अ क्रेटर. Although the volcanoes are very long lifespan, ranging from a few years to hundreds of years, we can classify them on the basis of their erupting histories and frequencies into the following. Yani volcanoes tarah tarah ke hote hain aur hum unko alag alag categories mein classify kar sakte hain. Active volcano, dormant volcano aur extinct volcano. Theek hai, teen major categories hain. अब इनमें से एक्टिव वॉल्केनो, द वॉल्केनोज दैट हैव इरप्टेड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी जो इरप्ट कर चुके हैं हिस्ट्री में, ठीक है, या नियर फ्यूचर में वापस से इरप्ट करेंगे, उनको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज. जैसे माउंट इटना इन इटली इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, यानी पहले भी इरप्ट हो चुका है और आगे भी फिर से इरप्ट हो सकता है. इसके बाद आते हैं हम डॉर्मेंट वॉल्केनोज, द वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड सिंस मेनी ईयर्स बट कैन इरप्ट अगेन, यानी जो अभी एक्टिव नहीं हैं, पहले इरप्ट हो चुके हैं, आगे कभी शायद इरप्ट हो, नहीं भी हो सकते, इनको हम डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है माउंट फूजी. ऑलराइट, माउंट फूजी इज इन जापान. लास्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इरप्ट नहीं हुए, मतलब पिछले हजारों साल में, कभी शायद हजारों साल पहले इरप्ट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कभी फिर इरप्ट नहीं हुए या कभी उनमें कोई भी हलचल नहीं हुई, अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, ऐसे जो वॉल्केनोज हैं उनको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज बोलते हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका. ठीक है, यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज मीन्स अब इनमें कोई चहल पहल नहीं होती, बहुत हजारों साल से ये बिल्कुल शांत है, इनमें कुछ भी होने की संभावना नहीं है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस, जहाँ पे ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, यानी ज्वालामुखी जहाँ पे फूट सकता है, वहाँ हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. इन मेनी प्लेसेस वेयर वॉल्केनोज आर एक्टिव, पीपल शुड मूव टू फार ऑफ प्लेसेस अंटिल द वॉल्केनोज हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग, यानी अगर आप ऐसे एरिया के आसपास भी रहते हैं तो वॉल्केनो जब भी स्टार्ट होता है आपको वहाँ उस जगह को छोड़ देना चाहिए और तब तक वापस नहीं आना चाहिए उस जगह पे जब तक ये वॉल्केनो शांत ना हो जाए. द नोन साइट्स ऑफ रीसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड फॉर हैबिटेशन, यानी अभी रीसेंट हाल फिलहाल अगर कुछ सालों पहले जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है उनके आसपास के शहरों में या उनके आसपास कहीं पे भी लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है, तो लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए. फूड एंड वाटर सप्लाई शुड बी स्टोर्ड फॉर एन इमरजेंसी, ऑटोमेटिकली किसी भी इमरजेंसी के लिए खाना और पानी जो कि बेसिक नीड है उसको हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए. Let's read a fun fact, that is volcano comes from Roman god of fire. Roman god of fire को वल्कन बोलते हैं, और क्योंकि ये ज्वालामुखी
आग की तरह लगता है, बिल्कुल आग ही निकलती है ऑलमोस्ट, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वॉल्केनो. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड अबाउट सुनामी. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट सुनामी. An earthquake, volcanic activity or explosions in the seabed can cause the sea water from very high waves that move at speeds of 100 km per hour. This is called tsunami. यानी कि जब समुंदर की लहरें बहुत स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती है, सागर की लहरें इतनी ऊंची कि बिल्डिंग जितनी ऊंची या पेड़ जितनी ऊंची, और फिर बहुत स्पीड के साथ आकर अपने साथ सब कुछ बहा के लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं सुनामी, ठीक है. The huge waves carry massive quantities of water and they travel much further inside the coast, posing a threat to life and property. यानी ये पानी जो है वो लैंड एरियाज में आ जाता है और लैंड पर जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको कम्प्लीटली अपने साथ बहाकर लेके चला जाता है. A fearful tsunami in Indian Ocean in 2004 affected 14 countries including our country. यानी 2004 में एक सुनामी हिट किया था वर्ल्ड को, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ यानी 14 कंट्रीज़ को हिट किया था जिसमें से इंडिया भी एक है. एंड क्लेम मोर देन 230,000 लाइफ, यानी 230,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी. द कंट्रीज़ दैट फेस द मैक्सिमम इम्पैक्ट वर इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड. यानी इन चारों कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था. इन इंडिया सुनामी हिट द तमिलनाडु कोस्ट, यानी इंडिया में उस टाइम पे तमिलनाडु क्षेत्र में सुनामी ने अपना कहर ढाया था, ठीक है. तमिलनाडु के लोगों को बहुत नुकसान हो गया था. क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जहाँ पे सुनामी का चांसेस हैं? पीपल नियर द सी और बीच शुड मूव टू हायर प्लेसेस, ऊंचे से ऊंचे जगह पे चले जाना चाहिए ताकि पानी अगर आए भी तो उन्हें नुकसान ना हो, ठीक है. दे शुड नॉट गो नियर द सी, समुंदर के आसपास नहीं जाना चाहिए. पीपल शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम लो लाइंग कोस्टल एरियाज टू हायर एरियाज, मतलब लो लाइंग कोस्टल एरियाज से हायर एरियाज़ पे, हायर ऑल्टीट्यूड पे उन लोगों को शिफ्ट कर देना चाहिए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. हमने नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट प्राकृतिक जो प्रलय है या आपदाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया. अब इन सब से बचने के तरीके या फिर क्या क्या किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है. नेचुरल डिज़ास्टर्स आर यूजली अनकंट्रोलेबल, इन पर किसी का हाथ नहीं है, किसी का बस नहीं चलता, ये कभी भी हो सकते हैं. ऑलराइट, वी कैन नॉट प्रिवेंट देम, वी कैन ओनली बी सेव्ड बाय बीइंग प्रिपेयर्ड टू अवॉइड और काउंटर देम. या तो हम इनको फेस करें, है ना, अपनी बुद्धि के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, या फिर हम पहले से प्रिकॉशंस ले लें और इन डिज़ास्टर्स को अवॉइड करें. Our preparedness can help us to face natural calamities. यानी हम अगर तैयार होंगे, हम अगर इन natural disasters के बारे में पता होगा किस तरह से कब act करना है, जब warning आती है natural disasters की, थोड़ा सा हम अगर careful रहें, news update रखें, weather forecast को regular basis पे सुने, तो शायद हम खुद को और अपने आसपास के लोगों की जान बहुत easily बचा सकते हैं. Disaster management stands for a wide range of activities initiated to control disasters of emergency situations. It includes steps right from creating awareness among the people and preparing them before disaster to post-disaster activities as relief and rehabilitation. यानी disaster management एक बहुत बड़ा concept है. इसमें ना सिर्फ disaster के बारे में बताया जाता है, disaster से कैसे बचें, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम डिज़ास्टर को अवॉइड कर सकते हैं, या अगर अचानक डिज़ास्टर को फेस करना पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो बताते हैं. साथ ही में ये भी सिखाते हैं कि जिन लोगों के आसपास या जिन लोगों को डिज़ास्टर ने हिट किया है उन्हें वापस से कैसे नॉर्मल लाइफ में लेके आना है, उन्हें कैसे जो है उस टाइम पे राहत देनी है, किस तरीके से उनको फर्स्ट एड देना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है. Forewarned is forearmed. यानी कि पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि if proper early warning systems are installed in areas prone to natural disasters and people are adequately trained, then the risk of damage could be minimized. देखो, natural disasters avoid तो किए नहीं जा सकते, लेकिन अगर properly हम weather forecast को देखें या warning signs को पहले से ही लगा दिया जाए ऐसे areas में, तो हम नुकसान को कम से कम कर सकते हैं. इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बच्चों को बचपन से ही स्कूल्स में ही, जूनियर क्लासेस में ही, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं इसी तरह अपने बाकी फ्रेंड्स को,
अपने जूनियर्स को, अपने सिबलिंग्स को हमें सिखाते रहना चाहिए, उनको भी इन बातों के बारे में हमें बताते रहना चाहिए, ताकि उनके माइंड में ये बातें रजिस्टर हो जाए और इनमें हमेशा याद रहे कि किसी भी मुसीबत में उन्हें घबराना नहीं है, बल्कि अपने नॉलेज को यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कभी भी कोई इमरजेंसी हो उसके लिए एक टीम हमेशा तैयार रहनी चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू इमरजेंसीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स, साइक्लोन्स एट्सेट्रा देन सिविक एजेंसीज। अब हमने यहाँ इस चैप्टर में जो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, आइए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रस्ट, द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस और अर्थक्वेक। ठीक है, डेब्रीज, द रिमेन्स ऑफ समथिंग ब्रोकन डाउन और डिस्ट्रॉयज, यानी कोई चीज़ जो टुकड़ों में बट चुकी है। डिजास्टर, एन इवेंट दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसा कोई इवेंट जो कि डिस्ट्रक्शन कर रहा है या डिजास्टर कर रहा है। मैग्मा, मिक्सचर ऑफ मॉल्टन एंड सेमी मॉल्टन रॉक्स, यानी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर लिक्विड फॉर्म में मॉल्टन स्टेट में रॉक्स हैं वो मैग्मा कहलाते हैं। लेट्स लुक ओवर, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने ज़्यादातर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ही पढ़ा है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कई तरह के नेचुरल डिजास्टर हैं, लाइक साइक्लोन्स, वॉल्केनोज, ड्रॉट, फेमाइन, सुनामीज, राइट, अर्थक्वेक्स। प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स कैन मिनिमाइज द लॉस ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स, अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो हम इनकी नुकसान को, हमारे खुद को सेव भी कर सकते हैं और नुकसान को भी कम कर सकते हैं। साइक्लोन्स आर ह्यूज स्टॉर्म्स ऑफ वेरी हाई स्पीड विद द सेंटर ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाई हाई प्रेशर विंड विच इज इन रोटेटिंग फ्रॉम, यानी सर्कुलर मोशन में ये चलते रहते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल। ऑल राइट, नाउ लेट्स क्विकली डू दिस एक्सरसाइजेस, जल्दी से इन एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं, देखते हैं हमें चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया। अ कैलामिटी कॉज ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड अ नेचुरल डिजास्टर। ओके, सेकेंड, द डैश मेजर्स the intensity of an earthquake, so a seismograph measures the intensity of an earthquake. Third, dash are huge storms of high speed wind, so cyclones are huge storm of high speed winds. Now let's do the fill in the blanks. Dash are caused by nature, so natural disasters. All right, so natural disasters are caused by nature. Second, the point where earthquake starts is called a focus. जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। इन इन इंडिया फ्लड्स कॉज इन आसाम, देन बंगाल, ऑल राइट, कोस्टल एरियाज। ठीक है, हम सिंपल लिख देंगे कोस्टल एरियाज, वो ज़्यादा बेटर है, जो भी कोस्ट के पास है वहाँ ज़्यादा होता है। फोर्थ, डैश आर प्रोन टू साइक्लोन्स, ऑल राइट, सो कोस्टल एरियाज अगेन आर वेरी प्रोन टू साइक्लोन्स, ये भी कोस्टल एरियाज में ही ज़्यादा साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, लैंड सी के पास होता है ना, वहीं से तो ओरिजिनेट होता है, इसीलिए कोस्टल एरियाज के पास साइक्लोन ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ, डैश इन जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो, सो माउंट फूजी। ठीक है, माउंट फूजी जो है जापान में है और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो, सुनामीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमंस, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज नेचुरल डिजास्टर, इनमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं है। सेकेंड, द पॉइंट ऑफ लाइन डायरेक्टली अबाउट द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, येस दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। Strong tidal waves of sea can cause floods, no, false, वो सुनामी कॉज करते हैं। Fourth, a drought can lead to heavy floods, no, false. Fifth, rainwater harvesting measures need to be implemented in drought areas, yes, it is true. ठीक है, ये बिल्कुल सही है। All right, so children, I hope that you have done all the exercises.
So with this, we come to an end to today's session. I hope that you have understood the different kinds of natural disasters and what are the precautions which we should take. So with this, we come to an end. I will meet you again soon with a new chapter where we would learn something more interesting and innovative. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.